अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाजिर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। आज हम क्या बना रहे हैं? नटी टॉफ़ी स्क्वायर्स बना रहे हैं, जिसमें हम टॉफ़ी सॉस बनाएंगे, चॉकलेट होगी बहुत सारी ऊपर, और हम नीचे इसका बेस बेक करेंगे। टू स्टेप्स हैं इसके, ठीक है? सीखिएगा, देखिएगा, बनाइएगा, ट्राई करिएगा, नोट करिएगा रेसिपी, और इसी तरह हमारे साथ रहिएगा। आज मेरे पास पेनिनी ब्रेड है और ये चियाबाटा है। कोई भी ब्रेड आपके पास हो उसके साथ, प्लेन डबल रोटी के साथ आज हम बनाएंगे सब्ज़ी के सैंडविचेस, जो हम जिसका नाम हमने दिया है योगर्ट सैंडविचेस। कैसे? बिकॉज ये दही है, टंगा हुआ दही, उसमें हम ये सब कुछ मिक्स करेंगे और बहुत मज़े का एक सैंडविच स्प्रेड बनाएंगे, ठीक है? बच्चों को बहुत अच्छा लगता है, ट्राई करिएगा। बच्चे जो सब्ज़ी नहीं खाते उनको इस तरह छुपा के खिला दीजिएगा। हर्बियन का एक ड्रिंक मैं बनाऊँगी, वेनिला लेमन स्मूदी, वो बाद में बनाएंगे हम, ठीक है? एंड यू कैन सी हर्बियन्स प्रोडक्ट्स हियर एज़ वेल। सर्दियाँ आ रही हैं तो बहुत ही अच्छा टाइम है जब इन्होंने ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की हुई हैं। फॉर एग्जाम्पल, देव गॉट हर्बियन डिंकस चेस्ट रब, ये बच्चों के लिए है, कोल्ड हो, कॉफ हो तो आप बच्चों को लगा सकते हैं। इसके अलावा ये जो शानदा है, पानी में जो डाल के पीते हैं, सैशेज इनके इस तरह के हैं, ठीक है? और इसके अलावा देव गॉट टू ट्रस्ट सिरप, ये भी कॉफ एंड सॉर थ्रोट के लिए है। और ये जो लिंकस के प्रोडक्ट्स आपको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ये भी बहुत ही अच्छे हैं सॉर थ्रोट एंड कॉफ के लिए। अगेन, लिंकस नोवा के प्रोडक्ट्स जब आप ख़रीदेंगे तो ये लोग डोनेट करेंगे ₹1 इंडस हॉस्पिटल को, सो दैट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग। और ये तो आप देखते चले आ रहे हैं मेरे शो पे, ऑल दीज हर्बियन के फाइबर लैक्स हस्क, ये सब गोल्ड डिफरेंट फॉर फ्लेवर्स जो हैं, तो आज हम बनाएंगे, ठीक है? ओके, सो लेट्स स्टार्ट। इसमें तो हमें सिर्फ मिक्सिंग करना है। अच्छा, आप इस तरह भी कर सकते हैं कि यू कैन कुक दीज सैंडविचेस ऑल्सो, ठीक है? अगर आपको वो करना है, प्लेन ब्रेड हो तो आप इन सैंडविचेस को कुक भी कर सकते हैं, वरना आप ऐसे ही उसको बीच में से काटिएगा, टोस्ट करिएगा और आप उसको ऐसे ही लगा दीजिएगा। मैं तिल लाई हूँ, अगर ब्रेड होती मेरे पास मैं दिखाती कि आप ब्रेड को जब टोस्ट करें या ग्रिल करें पैन में मक्खन के साथ, तो पहले नीचे थोड़े से तिल डाल दीजिएगा और फिर ये टोस्ट करिएगा। टर्न करेंगे तो क्रिस्पी क्रंची, ऊपर सेसमी सीड्स यानी सफ़ेद तिल होंगे। चलिए पहले हम नटी टॉफी स्क्वायर्स पे आ जाते हैं। 2 कप मेरे पास यहाँ मैदा है, 1.5 कप ब्राउन शुगर है, ठीक है? 1 कप मक्खन है और थोड़ा सा 3 चमचे अलग से है। फिर 1.5 कप अखरोट है, थोड़ी सी अखरोट मैंने सजाने के लिए ऊपर से गार्निश के लिए रख दी है। और ये मेरे पास 1.5 कप चॉकलेट है जो ग्रेट करना ज़रूरी है, पिघलाइएगा नहीं, ग्रेट कर दीजिएगा बॉक्स ग्रेटर पे, या बिल्कुल बारीक हाथ से नाइफ से चॉप कर दीजिएगा, इसलिए कि हमें इसको पिघलाना नहीं है, ऊपर से डालना है, इसी की हीट में वो पिघल जाएगी, समझ आ गया? सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आधा मक्खन लेंगे, 1 कप है पूरा मक्खन, फीका अनसॉल्टेड, तो पहले हम आधा लेंगे। इसमें हम डालेंगे 1 कप ब्राउन शुगर और फिर हम इसमें डालेंगे मैदा, ठीक है? अब ये ब्राउन शुगर थोड़े से लम्प्स हैं, इसको तोड़ना बहुत जरूरी है, लुक एट दिस बिग लम्प्स। वरना फिर बीटर में गोल गोल घूमता रहेगा ये। आई शुड हैव ब्रोकन देम बिफोर द शो, लेकिन ये मॉइस्चर की वजह से हो जाता है लंपी, ठीक है? तो ये आधा आपने इसमें डाल दिया, बीट करिए और फिर मैदा डालिए, ड्राई होगा ये मिक्सचर। ये बटर मैं इस्तेमाल करूँगी तो मैं इसी में पूरा बटर डाल देती हूँ, ठीक है? मेरे पास जो मक्खन है ना, 1 कप मैं मक्खन यूज़ कर रही हूँ, दूसरा मक्खन जो है वो हम यूज़ करेंगे जब हम इसकी टॉफ़ी सॉस बनाएंगे। और फिर इसमें आप डालिएगा मैदा, दो कप मैदा छान के मैंने रखा है, आप भी छान के यूज़ करिएगा। जो डिश जिसमें आप इसको बेक करेंगे वो मैंने यहाँ रखी हुई है डिश, इसमें लगाएंगे पूरा और फिर उसके ऊपर अखरोट डाल देंगे और फिर उसके ऊपर ये सॉस डालेंगे, फिर उसको बेक करेंगे। जब ये बेक होके निकलेगा तो चॉकलेट फैला देंगे पूरी, दैट्स इट। बेस के लिए अखरोट चॉप कर दीजिएगा, ठीक है?
देखा ये इस तरह क्रम्बली हो गया, कहीं कहीं पीसेस ना बड़े रह गए हैं। मसलन यहाँ चीनी को तोड़ दीजिएगा, हाँ पूरे पूरे साबुत टुकड़े नहीं रह जाएं। मिक्स करिए दोबारा, नाउ इसमें पूरा आपने इस तरह बेस इसका रेडी कर देना है। इसको हम बेक करने रखेंगे, लेकिन पहले हम अखरोट ऊपर स्प्रिंकल करेंगे। यूनिफॉर्मली हो ताकि ऊंचा नीचा नहीं हो, ठीक है। अगर आपको लगे भी कि कहीं से ऊंचा नीचा है, इसको क्यों हमने वेस्ट नहीं करना है, ये यहाँ डाल देते हैं थोड़ा सा। ओके, क्या किया मैंने, मक्खन लिया, उसको बीट किया, उसमें ब्राउन शुगर डाली, फ्लावर डाला और इस तरह आपने कर दिया, ठीक है। अब आप वॉलनट्स लेंगे और उसके बेस पे आप पूरे वॉलनट्स डाल देंगे इस तरह के, बिल्कुल बारीक चॉप किए हुए, हर जगह फैला दीजिए। समझ आ गई? अच्छा, अब हम इसको साइड में रख देंगे। अब जो मक्खन है मेरे पास यहाँ, उसको एक पैन में डालेंगे, से दो चमचे भर के मक्खन पिघलाएंगे, साथ में हम ये ब्राउन शुगर डाल देंगे जो बाकी थी, रिमेनिंग ब्राउन शुगर। नहीं प्लीज़, ये मुझे कर लेने दीजिए। जैसे ही ब्राउन शुगर और मक्खन पिघल जाएगी, इसके ऊपर डालेंगे और हम बेक करने रख देंगे, ठीक है। फिर जब ये बेक हो जाएगा, गरम गरम निकलेगा, तब आपके सामने मैं ये चॉकलेट डालूंगी। सो लेट दिस मेल्ट फॉर लाइक 2 मिनट्स। जैसे ही ब्राउन शुगर और मक्खन पिघल जाएगा, हमें इसके ऊपर डालना है। चलिए ब्रेक ले लेते हैं, बिकॉज ब्रेक का वक्त हुआ चाहता है। आप कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए, देखते रहिए मसाला टीवी। ब्रेड काट रही हूँ, मैं इधर ही हूँ, ठीक है। फोकेशिया ब्रेड, पनीनी ब्रेड काट के रख देती हूँ ताकि मेरे लिए आसान हो। मैं टोस्ट करूँगी दोनों ब्रेड्स को, बटर में ग्रिल करेंगे हम इनफैक्ट, और फिर हम इसके ऊपर ये वेजिटेबल्स और ये सब कुछ लगाएंगे। चलिए, तो ये ब्राउन शुगर और मक्खन को पिघला के मैंने रख दिया है यहाँ पैन में। हमारे कॉलर्स कहाँ हैं आज? अच्छा, ये देखें, ओहो वापस मक्खन और ब्राउन शुगर पिघल के सेट भी हो गई। यहाँ हमने नीचे मक्खन, ब्राउन शुगर, मैदा, वो बेस था, ऊपर सारे चॉप किए हुए अखरोट डालिए, फिर ये जो है वापस जिसको हम पिघलाएंगे, टॉफ़ी जो हमारी थी वो सेट हो गई। तो इसको दोबारा ज़रा घुमाते हैं और इसको ऊपर डालते हैं, ठीक है। आप वो वाला कैरमल भी डाल सकते हैं जो मैंने सिखाया है कैसे बनाते हैं, कंडेंस मिल्क के पूरे टिन को बॉयल करके, वो पड़ा हो वो डाल दीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि बहुत पतला बेस बने तो बड़ा डिश लीजिएगा। चलिए, ये वापस पिघल गया, तो अब इसको हम पोर कर देते हैं इसके ऊपर इस तरह, फिर इसको हम रख देते हैं बेक होने के लिए, ठीक है। चॉकलेट अभी नहीं डालेंगे, ओके, बस इसको बेक करने रखते हैं, और फिर जब ये गरम गरम निकलेगा तब इसके ऊपर चॉकलेट जाएगी और खुद ब खुद चॉकलेट पिघल जाएगी। चलिए जी, अब क्या करना है हमने, रीकैप। मैंने 2 कप मैदा लिया था, ठीक है, और मैंने 1.5 कप, टोटल 1.5 कप ली हुई है
ब्राउन शुगर आधा यूज़ करना है और हमने एक कप मक्खन लिया था। एक कप मक्खन को बीट करिएगा, दो कप मैदा डालिएगा, एक कप इसमें ब्राउन शुगर डाल के बेस में लगा दीजिएगा दबा के, क्रम्बली होगा डोंट वरी। एक से डेढ़ कप आप अखरोट लीजिएगा चॉप करके, वो पूरी फैला दीजिएगा। उसके बाद हमने जो मक्खन है हमारे पास दो से तीन चमचे अलग से, उसको हमने एक पैन में पिघलाया, उसमें हमने रिमेनिंग जो शुगर थी हमारे पास ब्राउन शुगर वो डाल के उसको पिघला के फिर ऊपर डाल दीजिएगा और फिर आप उसको बेक कर दीजिएगा। डेढ़ कप चॉकलेट यहाँ चॉप करके या ग्रेट करके आप रखिए, ग्रेट की हुई होगी ना तो वो बेहतर रहेगी बिकॉज वो फ़ौरन ऊपर जाते ही पिघल जाएगी। और फिर चम्मच से स्प्रेड कर दीजिएगा। थोड़े से मैंने हाव्स रखे हैं वॉलनट के अखरोट के, वो ऊपर से सजाने में काम आएंगे। नो ओके नाउ अब मुझे इसमें हर चीज़ मिक्स करनी है। ये है दही का मट्ठा जो मैं हमेशा बनाती हूँ, ठीक है, थिक हंग कर्ड है ये। आधा किलो दही लेके उसको टांग दीजिएगा दो से चार घंटे मलमल के कपड़े में और फिर उस जो रह जाए वो। एक बोल ले आती हूँ उसमें मैं हर चीज़ उसका है उसमें हर चीज़ हम मिक्स कर देंगे। सो यर गोज माई दही का मट्ठा, यहाँ रखते हैं। गाढ़ा गाढ़ा दही हमें चाहिए। मेयोनीज़ ले लीजिएगा, उस दिन मैंने एगलेस मेयोनीज़ भी बनाना सिखाया है। एनी थिंग यू लाइक, कोई सी भी मेयोनीज़, होम मेड मेयोनीज़ हो, बाहर की मेयोनीज़ पड़ी हो आपके पास, कुछ भी यूज़ कर लीजिएगा, ठीक है। उसमें हमने नमक और काली मिर्चें डालनी है। मेयोनीज़ जो है वो ऑलरेडी नमकीन होती है, बहुत सारा नमक नहीं डाल दीजिएगा, काली मिर्चें कुटी हुई गई। अच्छा, फिर हम इसमें डालेंगे अदरक चॉप की हुई, ठीक है, वेरी नाइस मज़ेदार सा एक टेस्ट आएगा। फिर हम इसमें डालेंगे गाजर चॉप की हुई, बहुत बारीक सब कुछ चॉप कर दीजिएगा। फिर मुझे इसमें शिमला मिर्च डालनी है, सो शिमला मिर्च, एनी थिंग यू लाइक, एनी थिंग के बच्चे हों जो भी पसंद है। कॉर्न है मेरे पास यहाँ, कॉर्न डाल दीजिए, कॉर्न में पानी जो हो वो पानी निकाल दीजिएगा, ठीक है। ये कॉर्न चला गया और कैबेज है, तो कॉर्न है यानी कि मकई, अदरक है, शिमला मिर्च है, गोभी है, गोभी है यहाँ है, और इसमें आपने दही डाला और मेयोनीज़, सब कुछ आप मिक्स करिए। ये आपका थिक वेजिटेबल स्प्रेड हो गया योगर्ट सैंडविचेस के लिए। पता भी नहीं चलेगा किसी को कि आपने ये किस तरह बनाया है। बनाइएगा ज़रूर और ट्राई करिएगा और फीडबैक दीजिएगा और मुझे बताइएगा आपने इसमें क्या डाला, क्या नहीं डाला, क्या अच्छा लगा। अच्छी तरह मिक्स करिएगा। ब्रेड को हम स्प्लिट कर चुके हैं, काट चुके हैं बीच में से, इसको मक्खन में हम टोस्ट करेंगे। सो एक फ्राइंग पैन ले लें। हेलो, अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बोल रही है, कहाँ से जी? मैं वही बोल रही हूँ, बस हिंट दे रही हूँ आपको। वही? हाँ। कौन सी वही? वही वही और वही 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 जो आपकी आला। ओह माय गॉड, आया याद आ गया। जी जी मैं पहचान गई, मेरी दोस्त की दोस्त जो है आप। आपकी भी तो हूँ जी। जी बोले, आपकी भी तो हूँ ना, इसलिए तो फोन करती हूँ ना आपको। अच्छा जी, जी बिल्कुल। आपके प्रोग्राम बहुत अच्छा है और मैं डिशेज भी ट्राई करती हूँ, लेकिन वो डिशेज ट्राई करती हूँ जिसमें टोमेटो ना हो, क्योंकि मैं डायलिसिस पर आ गई हूँ। ओह माय गॉड, अच्छा। हाँ, टमाटर, भिंडी, स्ट्रॉबेरीज ये सब नहीं खा सकते हैं डायलिसिस वाले पेशेंट्स? नहीं खा सकते, बहुत सारी चीजें नहीं खा सकते। क्या करें जी, तो क्या करें जी, जल्दी से ठीक हो जाइए, दुआ कीजिए। और जितने सुनने वाले हैं उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, दुआ करें मेरा डायलिसिस रुक जाए ना जी। तो कर रही थी मैं कॉल कब से, काफी देर से, जब से शुरू हुआ प्रोग्राम ट्राई कर रही थी, लग ही नहीं रहा था, अल्लाह अल्लाह करके लग गया। आप कह रहे थे कि कॉलर्स कहाँ है, मैं कह रही थी कॉलर्स यहाँ है मगर कॉल नहीं लग रही है। क्या कर सकते हैं, जो बताएं मैं क्या करूँ, कहाँ जाऊँ मैं। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि बस मिल गई ना कॉल, लग गई जी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। इसी तरह हमारे साथ रहिएगा, हमें कॉल करते रहिएगा, हमारी रेसिपीज ट्राई करते रहिएगा और अपनी सेहत का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। ये कहीं बहुत ब्राउन नहीं हो जाए, इसको मुझे टोस्ट करना है, ठीक है। अच्छा ये देखें, ये आपका वेजिटेबल
स्प्रेड रेडी हो गया है, ठीक है। इसको सैंडविच पे लगाएं, फोकेशा ब्रेड पे लगाएं, पेनिनी ब्रेड पे लगाएं, बर्गर बंस में लगाएं, किसी भी चीज़ में लगाएं, और सब्जी का भरा हुआ हेल्दी न्यूट्रिशियस कुछ भी। अच्छा, तिल तो मैं ले आई थी, लेकिन आई एम नॉट डूइंग इट दैट वे। अगर आपके पास ब्रेड के स्लाइसेस हों तो आप मक्खन पिघलाइए, तिल डालिए, ब्रेड को टोस्ट कर दीजिए और फिर उस तरह करिएगा। दिस इज डन, इसको निकाल देते हैं। ठीक है जी, सब कुछ एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा चीजें हटा लेते हैं। बर्तन साथ साथ धोते जाइए, ढेरों अंबार बर्तन के नहीं करने हैं जमा। ब्रेक की तरफ चलते हैं। ओके, चलें ब्रेक की तरफ चलते हैं। मैं टोस्ट करके ब्रेड बस रखूंगी, आपके सामने लगाएंगे फिर। Stay tuned, keep watching Food Diaries only on Masala TV. Spread लीजिए और आप इसको thickly spread करिए। मुझे जिंजर का फ्लेवर बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको जिंजर नहीं पसंद तो आप नहीं डालिएगा अदरक चॉप करके, ठीक है। मुझे पसंद है इसलिए मैंने डाला है। इसी तरह आप सारे सैंडविचेस को ये लगाइएगा। मक्खन में टोस्ट करना ज़रूरी है, और ये सैंडविच स्प्रेड आप फ्रिज में 2 दिन तक रख भी सकते हैं, क्योंकि कैबेज वगैरह है ना, पानी छूट जाएगा, फिर वह मज़ा नहीं आएगा। सबने पढ़ा होगा योगर्ट सैंडविचेस, तो उन्होंने सोचा होगा कि जारना क्या बनाने वाली है, दही के सैंडविच। तो ये है दही के सैंडविच। ठीक है, थिकली भरिएगा, कंजूसी से नहीं। अब इसको, ये बेस है इसका, यस, इस पे भर देते हैं। आप चख लीजिएगा, अगर आपको इसमें और मेयोनीज डालनी है डालिएगा, आई डोंट वांट इट रनी। इसमें एक्चुअली टेस्ट आना चाहिए दही का और सब्जियों का। मेयोनीज कम कम डालिएगा, ठीक है। अब अगर इस पे आप खीरा रखना चाहते हैं, टमाटर के स्लाइसेस, आइसबर्ग, लेटस के पत्ते, कुछ भी, तो वो आप पे डिपेंड करता है। मैंने कुछ नहीं डाला है, हर दफ़ा कुछ नहीं होना चाहिए, ठीक है। दिस इज़ रेडी, इसको आप फ्रिज में रख दीजिएगा, एयर टाइट डब्बे में, 1-2 दिन में खा लीजिएगा। प्याज नहीं डालिएगा, अगर उसी वक्त बना रहे हैं तो आप हरा प्याज चॉप करके डाल सकते हैं, नाइस क्रंच और नाइस टेस्ट उसमें आएगा। लेकिन वो वाली दूसरी प्याज नहीं डालिएगा, उसका पानी छूट जाएगा। दूसरी सब्जी में आप क्या डाल सकते हैं, दूसरे 2-3 रंग के शिमला मिर्च हो वो भी डाल सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं, सन ड्राइड टमेटोज डाल सकते हैं, ऑलिव्स डाल सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ रेडी, इसको बस हमें डिश में निकालना है। इसको देखते हैं, ये देखें, ये साइडों से आपको नज़र आ रहा होगा थोड़ा थोड़ा बबल हो रहा है, बेस इसका बेक हो रहा है, टॉफ़ी इसकी पिघल चुकी है। तो बस अब मैं तो वेट कर रही हूँ कि जब इसका बेस बिल्कुल डन हो जाएगा, पक जाएगा, तो मैं निकालूंगी, फौरन यहाँ रखेंगे और चम्मच से हम पूरा स्प्रेड कर देंगे चॉकलेट को जो ग्रेट करके मैं लेके आई हूँ, और फिर इसके ऊपर हम अखरोट रख देंगे। दैट्स इट, सिंपल एज दैट। सो रिकैप कर दूँ, गाढ़ा सा दही लिया था हमने, दही को टांग के फिर गाढ़ा बनाया था। ऑब्वियसली मैंने मेयोनीज डाली, नमक, काली मिर्चें, शिमला मिर्च, गाजर, गोभी, अदरक और कॉर्न, सब कुछ मिक्स करना है, ठीक है। ब्रेड को आप टोस्ट कर लीजिएगा मक्खन में, थोड़ा सा मक्खन डाल के पैन में, ताकि वो टोस्ट भी हो और मज़े का अंदर से लगे भी, और उसके साथ आप बस उसके ऊपर लगा दीजिएगा, सिंपल इज़ दैट। ज़रूरी नहीं है कि हर सैंडविच में हमेशा हम ग्रीन्स भी डालें, ऑलरेडी काफ़ी सारे ग्रीन्स अंदर हैं, ठीक है। इसमें आप अगर खीरा डालना चाहें, यू कैन पुट खीरा ऑल्सो, लेकिन खीरा भी पानी छोड़ देगा, तो उसके बीज थोड़े से निकाल के छिलके समेत उसको चॉप कर दीजिएगा। मैं कभी भी छिलका नहीं निकालती हूँ, मुझे खीरे का छिलका बहुत अच्छा लगता है। सो अगर आपको लगे कि बहुत ही बीज मुँह में आएंगे और बहुत पानी पानी हो जाएगा, तो बीज निकाल दीजिएगा, ठीक है। यू कैन पुट खीरा ऑल्सो। तो इस तरह आप बनाइए सैंडविच स्प्रेड। स्कूल्स खुल गए हैं, बच्चे स्कूल जा रहे हैं, सुबह में टाइम नहीं होता, ये बना के एक रात पहले से रख दीजिएगा। गोभी नहीं रखनी है, नहीं रखिएगा। चलिए, तो आई थिंक वी आर डन नाउ।
बस आई एम जस्ट वेटिंग कि हम हरबियन की रेसिपी बनाएंगे। हरबियन के प्रोडक्ट्स आपको एक बार फिर दिखा देते हैं, ये लोग डोनेट कर रहे हैं 1 रुपया टू इंडस हॉस्पिटल व्हेन यू परचेज लिंकस नोवा के ये सारे प्रोडक्ट्स। अब देखें कितने सारे डिफरेंट फ्लेवर्स इनके पास हैं, लेट मी शो यू। ये देखें, ये हनी लेमन है, ठीक है, लोजेंजेस हैं ये, फिर ये है ऑरेंज, ये है एक्स्ट्रा मिंट, ओ नाइस, इसके बाद है लेमन एंड व्हाट इज दिस, ऑरेंज है एंड दिस इज हनी लेमन। सो ये लोजेंजेस हैं, कफ वगैरह हो तो उसके लिए, सॉर थ्रोट हो तो, फिर ये लिंकस के कफ सिरप्स हैं कफ कोल्ड एंड फ्लू के लिए, ये हर्बियन के इंस्टी जोशांदा है पैकेट, आप डिसॉल्व कर दें ये सैशे, चेस्ट रब है हर्बियन के बच्चों के लिए और कोल्ड कफ में कंजेशन वगैरह हो तो, एंड टूट रस सिरप है, दिस इज ऑल्सो फॉर कॉफ एंड कोल्ड, एंड विंटर आ रही है तो उसी के मुताबिक है, एंड ऑफ कोर्स वी गॉट हर्बियन फाइबोलैक्स हस्क, ये सब गोल्ड देखें, ये तो नेचुरल कलर फ्लेवर है, फ्रूट पंच है, लेमन है एंड ऑरेंज है। मैं यूज़ करूँगी ब्लेंडर, बस हम लगाते हैं। एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैंने कहा आपने कहा आज हमारे कॉलेज कहाँ चले गए, मैंने कहा मैं ही बात कर लेती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। हाँ मैंने कहा ये दही के मट्ठे का ना मैं भी सैंडविच बना के खाती हूँ। अच्छा, ओके, मुझे ऐसा लगता है क्रीम चीज खा रही हूँ, आई मीन डायबिटिक ना, तो मैं जरा योगर्ट का इस्तेमाल करती हूँ, दूध मुझे हजम नहीं होता। ओके ठीक है, तो मैं ये खाती हूँ ना, तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है आपका, जो आपने और चीजें डाली वो मैं नहीं डाल के करती थी ऐसे प्लेन। आप इसमें सिर्फ सोया की भाजी भी डाल सकते हैं। मैं तो सोया की भाजी ही डाल के खाती हूँ। हाँ, मैंने उस दिन बनाया था ना क्रीम चीज शो पे। जी जी हाँ हाँ, वो मैंने देखी थी और आई एम गोइंग टू मेक इट इंशाल्लाह। ओके ग्रेट, मैं जरूर, और मेरा वो मेरे 15 साल के बेटे को दुआ प्यार कह दीजिएगा। क्या करूँ? आप जो 15 साल का बच्चा हुआ है ना ये बेटा, आपके 15 साल हो गए, वो मैंने कहा था ना बच्चा जवान वो हो गया टीनेजर। जी, उसको मेरा दुआ प्यार कहिएगा। अच्छा जी ठीक है, आप लोग हैं ना प्यार करने वाले हम सबसे। मैं तो बहुत करती हूँ, जब भी तो मैं हर प्रोग्राम से पहले खोल के बैठ जाती हूँ टीवी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। ओके जी, एक और कॉलर है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। जी मैं आपके शो की बहुत ज्यादा तारीफ करना चाहूंगी, मैं आपकी आपकी लवर हूँ मैं। अच्छा? मुझे आपकी ड्रेसिंग, मुझे आपकी कुकिंग, मुझे आपकी बोलने का स्टाइल मुझे बहुत पसंद है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया जी। और ये मैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे बहुत यम्मी लग रहा है, दही के फर्स्ट टाइम सुन रही हूँ, इंशाल्लाह जरूर ट्राई करूंगी। जी जरूर करिएगा जी। और कुछ? और बस मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपसे मिलने हैं। अच्छा तो आ जाइए मिल लीजिए। जी इंशाल्लाह वेरी सून। पता नहीं एक्सपो कब होगा कराची में या लाहौर में या कहीं भी, या कुकिंग क्लासेस कब होंगी, तो वो मौका होगा हमसे मिल सकते हैं। ठीक है, जरूर। थैंक यू, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। ओके आई थिंक वी शुड टेक अ ब्रेक बिकॉज आई वांट टू जस्ट क्लियर दिस अप, और फिर हम अवन में से इसको निकालेंगे जब हो जाएगा, चॉकलेट डालनी है हमने और हम हबियन का ड्रिंक बनाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। ग्रेटेड चॉकलेट, और इसको हमने निकाला है अवन में से और आपने इसके ऊपर चॉकलेट डाल देनी है। मुंह में पानी आ रहा है, पिघल जाएगी एसी की हीट में, डोंट वरी। ठीक है, इसीलिए ग्रेट की है यूनिफॉर्मली, ऊपर जाके पिघल जाए। फिर आप इसको ठंडा करिए, स्क्वायर्स में काटिए और एंजॉय करिए। नीचे बेस है, बीच में टॉफ़ी है, अखरोट है और ये ऊपर से चॉकलेट है। उफ यम्मी, पूरा कवर करिएगा। हाँ अभी मैं इसको ज़रा पिघलने देती हूँ, फिर स्पैचुला से, ऑफसेट स्पैचुला से या किसी चम्मच से, छुरी से आप उसको स्प्रेड कर दीजिए। हर जगह है, बंद हो गया, नज़र नहीं आना चाहिए कुछ भी। देखें ये हो गया, अब विल वेट, फिर थोड़ा लेवल कर देंगे, यूनिफॉर्म कर देंगे और अखरोट रख देंगे। चलिए हर्बियन का
नेचुरल फाइबरलैक्स हस्क इसबगुल है, इट्स वेरी इफेक्टिव इन कंट्रोलिंग कॉन्स्टिपेशन, कोलेस्ट्रॉल, ओबेसिटी के लिए। शुगर फ्री है, मैं लेमन फ्लेवर आज इस्तेमाल करने जा रही हूँ। चीनी है, थोड़ी सी लेमन जूस जाएगा, वेनिला एसेंस है, बर्फ है, दही है, दूध है, ब्लेंडर में। वेनिला एसेंस, दही, दूध, बर्फ, चीनी, इतनी अच्छी खुशबू आ रही है इसमें से। कोई भी नट्स, कभी भी टोस्ट होते हैं ना, खुशबू बहुत अच्छी आती है। लेमन जूस और लेमन वाले फ्लेवर का बियॉन्ड फाइबरलैक्स हस्क इसबगुल। ठीक है, दही, दूध, वेनिला एसेंस, लेमन जूस, लेमन फ्लेवर का हर्बियन और बर्फ, चीनी थोड़ी सी, यू कैन अवॉइड चीनी, नहीं भी डालनी है। ये भी हो गया, ये चॉकलेट को देखिए ऊपर जाके पूरी पिघल गई है। ठीक है, ये देखें पूरी पिघल गई है चॉकलेट। देखा आपको, अलग से पिघलाने की इसकी इसको ज़रूरत ही नहीं पड़ी। जस्ट मूव योर स्पून लाइक दिस, और जब ये पिघली हुई हो तभी इसके ऊपर आप अखरोट रख दीजिएगा। अब कहीं कहीं आपको अगर लगे कि नहीं है तो यहाँ आप डाल दीजिए थोड़ी सी चॉकलेट, जैसे यहाँ नहीं है, डाल दीजिए इसको, थोड़ा सा पिघलने दीजिए एंड देन जस्ट स्प्रेड इट। स्प्रेड की हुई ऐसी शाइनी शाइनी चॉकलेट बहुत ही अच्छी लगेगी। ओके डन, नाउ यू पुट योर अखरोट हाव्स। ताकि इस पे चिपक जाए जब चॉकलेट पिघली हुई हो तभी। ठीक है, डन, दैट्स इट। नटी टॉफी स्क्वेयर्स रेडी है, हबियन का ड्रिंक रेडी है, सैंडविचेस हमारे रेडी हैं, एवरीथिंग इज़ डन। बहुत सारा टाइम है, अगर आपको कुछ पूछना है, क्वेश्चन करना है, नंबर्स हमारे चल रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। फूड डायरीज रेसिपीज़ के नाम से हमारा ऑफिशियल मसाला टीवी का फेसबुक का पेज है, उसको लाइक करिएगा, ज्वाइन करिएगा, और फोटोज सेक्शन में जाके देखेंगे तो आपको वहाँ तमाम रेसिपीज़ मिल जाएंगी, अंग्रेज़ी में भी हैं, उर्दू में भी हैं, और उर्दू में तस्वीर के साथ है। अंग्रेज़ी में नीचे आप स्क्रॉल करेंगे, सी मोर आएगा, वो क्लिक करिएगा तो पूरी अंग्रेज़ी की तस्वीर आ जाएगी, अंग्रेज़ी की रेसिपी आ जाएगी इंग्रेडिएंट्स एंड मेथड के साथ। तो ये चीज़ें याद रखिएगा। दही के मट्ठे को आपने, दही को टंगा के मट्ठा बना लिया कपड़े में, मलमल में, ठीक है, मेयोनीज डाली, नमक, काली मिर्ची उसमें गई, गाजर और शिमला मिर्च, मकई, अदरक, और मैंने इसमें कैबेज यानी बंद गोभी डाली थी। सब कुछ ग्रेट करके, बारीक चॉप करके डालिएगा, और फिर आपने ब्रेड, जो भी ब्रेड लिया आपने, उसको बटर कर दिया, टोस्ट कर दिया पैन में रख के, और फिर वो स्प्रेड पूरा स्प्रेड कर दीजिएगा। इसके ऊपर आप चिकन फिलेज भी रख सकते हैं, इसके ऊपर आप कोई कोल्ड कट्स आते हैं, मोटरडेला स्लाइसेस, सलामी वगैरह भी रख सकते हैं। इफ़ यू वांट टू मेक अ फुल मील, इसको बेक पोटैटो के साथ सर्व करिए, फ्रेंच फ्राइज के साथ सर्व करिए, प्लेन ऑन इट्स ओन केचप या चिली गार्लिक सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। वेनिला लेमन स्मूदी जो मैंने बनाया था, उसमें दही, दूध और आइस क्यूब्स, चीनी, वेनिला एसेंस, हर्बियन इसबगुल जो था वो, लेमन जूस, ये सब कुछ ब्लेंड करके रख दीजिएगा। और एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। जी हेलो, जी हेलो, जी क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, आप कैसी हैं? मैं भी ठीक हूँ, थैंक यू सो मच, आप सुनाएं। अच्छा, एक तो आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना था आपकी अपनी 10th एनिवर्सरी का और 15th एनिवर्सरी मसाले का।
तो दूसरी बात ये कि एक बड़ी दिनों से मैं बात सोच रही थी कि आपके साथ शेयर करूं, आपको वियर्ड लगेगी लेकिन मेरा दिल करता है कि अगर हदीका क्यानी एक्टिंग कर सकती है तो जनक क्यों नहीं एक्टिंग कर सकती किसी ड्रामे में। एक्टिंग मुझे तो स्क्रिप्ट ही नहीं याद रहेगा जी, मुझे तो दो लाइनें ही नहीं याद रहेंगी, मैं क्या एक्टिंग करूंगी। नहीं पता है, आप अपना ये कोशिश करके देखे, और मुझे मेरा दिल करता था कि मैं सुल्ताना आपा से ये रिक्वेस्ट करती 15th एनिवर्सरी पे। अच्छा कि मैं एक्टिंग करूं, अब बस यही रहेगा कि वो किसी हम ड्रामे में ना जरूर आपको कोई ना कोई स्पेशल किसी उमेरा अहमद से कहना चाहिए कि आपके लिए स्पेशली कोई करेक्टर लिखे and you should give it a try. क्या कुक का रोल with your son. कहीं कुक का रोल हो वो मुझे मिल जाएगा। नहीं बिल्कुल नहीं, ये प्रोफेशनल शेफ का नहीं मिलना चाहिए रोल आपको। अच्छा, यू कैन एक्ट वेरी वेल अदरवाइज ना। How so did you know that? बहुत से, हाँ honestly, you just give it a try. अच्छा ठीक है, क्या पता किस्मत में आगे क्या हो, है ना। हाँ, you never know, और आप इतनी talented हैं, तो आप कोशिश करके देखें, इंशाल्लाह you'll be as successful. चलें जी, देखते हैं, क्या पता नहीं आप लोग भी क्या क्या चीजें सोचते रहते हैं घर पे बैठे बैठे हैं। हाँ, मुझे मेरा बड़ा दिल करता है, आज से पहले भी मैंने एक दो बात की है। अच्छा, मेरी बात सुने? कहते हैं अम्मा आप इतनी अजीब अजीब बातें करती हैं ना जाके, तो मैंने कहा नहीं नहीं आई डोंट वांट टू से कि जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मैं ये करना चाहती हूँ, वो भी सही है, चलता है, लेकिन आई वॉन्ट टू शेयर समथिंग डिफरेंट एंड आई रियली विश कि आप किसी दिन एक्ट करें और मैं आई शुड लिव टू सी इट। मैं जब छोटी थी ना तो मैंने स्टेज पे हमारे कम्युनिटी में जो ड्रामास वगैरह होते थे, नाटक उनको कहते थे, मैंने उसमें एक्टिंग की हुई है। देखा आपके अंदर है ना हिडन टैलेंट, मैं ऐसी तो नहीं कह रही ना, आई वॉच अ लॉट ऑफ ड्रामास। वो तो उस वक्त रट्टा मार लिया था ना स्क्रिप्ट का, अब मैंने तो रट्टा नहीं मार सकूंगी। नहीं मान लेंगी, आप अपने डॉक्टर सन से ना ये डिस्कस कीजिएगा एंड ही विल एनकरेज यू कि हां अम्मा जरूर करें। वो मुझे टीका लगा के सुला देगा, वो कहेगा नहीं अम्मा ऐसे नहीं करो, कुकिंग करो। नहीं बच्चे बड़े अच्छे जज होते हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। थैंक यू, नाइस टॉकिंग टू यू। ओके जी, नाइस टॉकिंग टू यू एज वेल, मजा आया। एक्टिंग क्या क्या लोग सोचते हैं, चलें ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक में सोचते हैं क्या ख्याल है। ओके, वी विल टेक अ ब्रेक, स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग फूड डायरीज। एक्टिंग वाली बात पूरी ब्रेक में चली है, मैं एक्टिंग नहीं करने वाली हूँ, प्लीज डोंट वरी। ठीक है, लज्जत में 5 बजे लाइव ड्राई आलू पालक सब्जी पकेगी और सॉसी चिकन शाशलिक। मुझे बहुत हंसी आ रही थी हमारी कॉलर की बात पे। टुमारो फूड डायरीज में क्या बनेगा, बैंगन भरता और हैदराबादी शाही पुलाव विथ लॉट्स ऑफ शाही इन्ग्रीडियंट्स। ठीक है जी, हमने आज योगर्ट सैंडविच बनाया था, 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ब्रेड्स में मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये नटी चॉकलेट वॉलनट स्क्वायर्स ज़रूर ट्राई करिएगा, टॉफ़ी भी अंदर बीच में है, और अगर टॉफ़ी इस तरह नहीं बनानी है, वो कैरमल वाला टिन है आपके पास, तो वो पूरा स्प्रेड कर दीजिएगा, मुँह में पानी आ रहा है। और हर्बियन की रेसिपी है, हमने ये वेनिला लेमन स्मूदी आज बनाया है। सो आई होप यू एन्जॉयड द शो, आपको भी इतना ही मज़ा आया ये सारी बातें सुन के जितना मुझे आया कि मैं अब एक्टिंग करने लग जाऊँ। मैं एक्टिंग ही तो कर रही हूँ या कितने अरसे से क्या कर रही थी, आप लोग क्या समझ रहे थे। चलिए जी, अब दीजिए मुझे और टीम फूड डायरीज़ को इजाज़त, जाते जाते याद रहे मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।